दोस्तों आज हम बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के स्टॉक के बारे में। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में बीच बीच में यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली लेकिन स्टॉक ने कभी भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार तेजी ही देखने को मिली है। लेकिन अभी पिछले कुछ ट्रेन सेशन से हमको अगेन यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पे स्टॉक में 3.27% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात कर रहे हैं, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे स्टॉक में 1937 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देर हमको स्टॉक है 1889, इसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक है 1786 एंड देन यहाँ हमको स्टॉक में अगेन 1673 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यह सब रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे स्टॉक में 2024 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2200 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी तेजी एक अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में 2400 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2600 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2800 और 3000 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।